नमस्कार। कन्या राशि पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कन्या राशि इस समय पीड़ित है तीन ग्रहों से विशेष रूप से, और चौथा ग्रह भी मैं बताऊंगा वो जो पीड़ा दे रहा है इनको। कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह है इस बात की चर्चा विस्तार से हम करेंगे अगले 5-6 मिनट। नंबर एक, कन्या राशि पर चतुर्थ भाव में शनि कल 27 तारीख के बाद विचरण करेंगे। ये बात अलग है कि वो उच्चाभिलाषी मंगल होगा, लेकिन आपके घरेलू मामलों में अशांति पैदा करने के लिए मंगल आएगा। जनवरी मास तक मंगल रहेगा तो घरेलू तनाव, अशांति, माता को कष्ट, वाहन संबंधी समस्याएं, लेकिन पेट का रोग भी देगा। दाम्पत्य जीवन को कष्ट इसलिए दे रहा है या देगा क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम स्थान में विचरण कर रहा है गोचर स्थिति में। लेकिन जिनकी कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है या अष्टम भाव में या शत्रु राशि में है तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण, अशांति, तनाव, चिंता, टेंशन, संतान के लिए कष्टकारक। और अभी क्या है, जो पति पत्नी है कन्या राशि वाले, पुरुष हो चाहे महिला हो, जो नौकरी करें उनका ट्रांसफर दूर हो सकता है या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, घर में रहते हुए ही कभी कई बार बातचीत नहीं कर पा रहे, उस समस्या को बढ़ाने के लिए कल मंगल आएगा। तो ये वीडियो बनाने के जो उद्देश्य होते हैं हमारे कि जो राशि का व्यक्ति है ताकि वो प्रिकॉशन ले सके या बचाव ले सके, उसको पहले से ही पता हो कि कल मेरे लिए कुछ समस्या, तनाव, चिंता या पारिवारिक मतभेद या क्लेश हो सकता है, इसलिए आपस में प्रेम, सौहार्द और अच्छे सामंजस्य का वातावरण बना करके आपको पति पत्नी को रहना है। अब अष्टम भाव में जब बृहस्पति विचरण करता है तो अष्टम भाव कष्ट देता है। किसको कष्ट देता है? मैरिज लाइफ में जो लाइफ पार्टनर होगा उसको कष्ट देगा। तो कौन कष्ट दे रहा है? तीन ग्रह, नंबर एक अष्टम गुरु, सप्तम राहु, और जो बची हुई कसर थी वो पूरी करेगा कल मंगल ग्रह। तो तीन ग्रहों का जो टॉर्चर है, प्रताड़ना है और पीड़ित जो स्थान है वो आपका मैरिज लाइफ सप्तम भाव, आपका लाइफ पार्टनर होगा। उसके लिए बीमारी, तनाव, चिंता, कष्ट, किसी की अगर डिलीवरी होगी, किसी के बालक का जन्म होगा तो ऑपरेशन की संभावना बन रही है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आपको एक ग्रह, जहां 9 ग्रह होते हैं, 9 में ऐसा नहीं कि 9 के 9 ग्रह एकदम कष्ट देंगे आपको, 1-2 सॉफ्ट कॉर्नर पॉजिटिव प्रभाव भी देते हैं, जैसा कि आपके छठे स्थान में इस समय शनि चल रहा है गोचर में, तो वो आपको 50-100 तरह के आने वाले कष्टों से बचाव का पहले से ही रास्ता तैयार रखता है। तो कन्या राशि के लिए सप्तम भाव तो कष्टकारक, अष्टम भाव कष्टकारक, चतुर्थ भाव अच्छा नहीं, लेकिन छठे भाव में बैठ करके त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे शनि, सर्वारिष्ट निवारणम, सभी अरिष्टों को, पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन वही शनि आज की तारीख में जो बृहस्पति वक्री है उस पर दृष्टि डाल रहा है शनि, लेकिन बृहस्पति 1 जनवरी से फुल फ्लैश अच्छे मोड में और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छी पोजीशन में मार्गी होकर 1 तारीख से अच्छा फल प्रदान करेगा। तो
दाम्पत्य जीवन की समस्या तो दूर नहीं करेगा कन्या राशि की, लेकिन आपकी अच्छी वाणी, आपके घर में धन, वैभव, संपदा, मान सम्मान तो देगा, लेकिन घरेलू जो क्लेश चल रहे हैं उनको आपको खुद ही निपटाना होगा। बस इतना अवश्य है कि बृहस्पति जब मार्गी होगा उसकी दृष्टि आपके घरेलू स्थान, भूमि, भवन, वाहन, अशांति, तनाव, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, इस पर दृष्टि होगी तो कुछ संपन्नता प्रदान करेगा। ऐसा ग्रहों का विवरण और विचरण और संचरण ये चल रहा है कन्या राशि पर। लेकिन अब पॉजिटिव चीज क्या होगी कि कन्या राशि के पंचम भाव में जब सूर्य आएंगे, इनको अच्छा विवेक, ज्ञान, बुद्धि, क्रोध भी उत्पन्न कराएंगे और कन्या राशि के लिए पूरे वर्ष 2024 में मई के बाद में बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपको अच्छा सुख वैभव तो देंगे ही, साथ में आपके भाग्य में उन्नति प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे पूरे साल तक। और भी ग्रह जो आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं उनका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये बात अलग है कि 16 महीने तक अभी राहु और केतु पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि पति पत्नी के बीच में थर्ड व्यक्ति का जो इंटरफियर है, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप, चाहे परिवार का आदमी हो चाहे बाहर का हो, वो हस्तक्षेप करेगा तो आपके आपसी तालमेल में कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति में जब पति पत्नी के बीच में इस प्रकार के संदेह उत्पन्न हो तो चौमुखा दीपक जला करके किसी भी अच्छे मुहूर्त में या बृहस्पतिवार के दिन या हैप्पी बर्थडे में या मैरिज एनिवर्सरी में चौमुखा दीपक जला करके उसकी परिक्रमा इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कि विवाह के समय हो रही थी। तो आपकी बात मेरी जो मैंने कहना चाहता था आप समझ गए होंगे। सभी बुद्धिमान और बहुत शिक्षित लोग हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।